गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम रेशू योर इंग्लिश टीचर स्टूडेंट्स एज वी हैव कम्प्लीटेड आर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पोर्शन ऑफ चैप्टर थर्टीन सो टूडे वील डू इट्स बुक वर्क ओके सो लेट्स स्टार्ट नेम वन थिंग विच ओके सो आपको यहाँ इन चीज़ों के नेम बताने हैं ठीक है लाइक विच इज़ स्ट्रोंग इन द चैप्टर क्या था स्ट्रोंग चैप्टर में बिग ट्री विच इज़ वीक स्मॉल प्लांट विच इज़ प्रिटी द फ्लावर ऑफ द प्लांट विच इज़ यूजफुल द शेड ऑफ द ट्री ओके स्टूडेंट्स ये सब आपके लेसन्स लेसन lesson में से ही लिया गया है लाइक स्ट्रांग बिग ट्री स्ट्रांग था तो इसलिए वो Uh, इसमें ये बिग ट्री के लिए बोला गया है ठीक है विच इज़ स्ट्रॉन्ग दैन स्मॉल प्लांट क्या था वो वीक था क्योंकि बिग ट्री के सामने तो वो स्मॉल प्लांट बेचारा वीक ही रहेगा ना वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ट्री हो जाता है ओके देन प्रिटी प्रिटी क्या था फ्लावर्स ओके okay, किसके प्लांट के जो लिटिल प्लांट था उसके फ्लावर बहुत अच्छे थे जो क्योंकि वो बेबी अट्रैक्ट हो रहा था उसके फ्लावर्स थे ओके देन इज़ यूज़फुल विच इज़ यूज़फुल देड ऑफ़ द ट्री शेड ऑफ़ द ट्री क्यों यूज़फुल होता है जब भी हमें धूप लगती है बारिश लगती है सो so, हम कहाँ पर चले जाते हैं ट्री के शेड में ओके okay. क्यों क्यों चले जाते हैं बताइए क्योंकि ट्रीज़ हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्राम द हीट फ्राम द रेन ओके ओके Now, write T if the statement is true and F if it is false. So, students, I have told you before that F stands for false and T stands for true. Okay. We always write F in front of the wrong sentence and T in front of the true sentence. Okay. It means right sentence. So, let's start. Our first statement is the man was tired yes was the man tired yes so it is true a small plant is not useful yes a small plant is not useful no it is so it is false the child liked the flowers child liked flowers yes true the big tree had long branches yes Big tree had long branches? Yes, then true. Okay. Now, our next exercise is who said to whom? Kisne kisko kaha. So, our first statement is my trunk is thick and strong. No one can shake me from my place. So, who said to whom? किसने बोला था ऐसा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मुझे कोई नहीं ला सकता है अपने प्लेस से यस द बिग ट्री से द बिग ट्री टू द लिटिल प्लांट मींस बिग ट्री ने किसको बोला था लिटिल प्लांट को ओके सेकेंड वन इज़ योर शेड इज़ यूज़फुल योर शेड इज़ यूज़फुल यस किसका शेड यूज़फुल होता है बिग ट्री का सो so, the little plant to the big tree, okay? Now it is the only one we have. It is the only one we have. So the big tree and the little plant to each other. एक दूसरे से वो बात कर रहे थे कि ये हमारी जो अर्थ है वो एक ही है और इसकी रक्षा किसको करनी है हमें करनी है, okay? We have to protect protect it, okay? So दोनों एक आपस में बात कर रहे थे ठीक है दिस इज़ द कॉन्वर्जेसन इन बिटवीन द बिग ट्री एंड द लिटिल प्लांट ओके सो नाउ योर होमवर्क इट इज़ अ टाइम फॉर होमवर्क सो इट इज़ योर होमवर्क स्टूडेंस नाउ राइट राइट टू सेंटेंसेज अबाउट थिंग्स दैट यू दैट बिलोंग टू यू एंड टू सेंटेंस अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग टू योर फैमिली सो बिलोंग टू यू लाइक दिस इज़ माई बैग मीन्स दिस इज़ माई बैग ये मेरा बैग है ये बिलोंग किससे बिलोंग करता है आपसे तो इसलिए हमने क्या लिखा दिस इज़ माई बैग टू सेंटेंसेज लिखने हैं जो आपसे बिलोंग करते हैं और टू सेंटेंस sentence आपको सेंटेंसेज लिखने हैं जो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं सो आई हैव रिटन हियर ऑलरेडी वन वन सेंटेंस फ्रॉम ईच लाइक दिस इज़ माई बैग